हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचमेंट। मैं मोहम्मद साद आप सब लोग का इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको अपने अजीजिया ट्यूचिंग, जो मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, उसका हाइब्रिड क्लास का सेटअप आपको दिखाने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेटअप है कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मदद करेगा। आप अपने बजट, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें एडिशन या फिर डिलीशन कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। तो आइए अब मैं आपको अपनी क्लास का सेटअप दिखाता हूं। कहने को तो इंस्टीट्यूट है, लेकिन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से ये अजीजिया ट्यूचिंग जो है वो एक सिंगल रूम में सिमट गई। और मैं ये थैंक्स करूंगा कि जो ऑनलाइन सेटअप जो है करना पड़ा हम लोग को, ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ स्विच करना पड़ा, उसके लिए जो फिज़िकल स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है उसमें बहुत कमी आ गई। और आप छोटी सी जगह में भी एक प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं, हाइब्रिड क्लास सेटअप रन कर सकते हैं। आइए चलते हैं। तो ये है हमारा हाइब्रिड क्लास सेटअप, जिसमें आप देख रहे होंगे क्योंकि कम स्पेस है। मैं शुरू से ही जो है जो अजीजिया ट्यूचिंग है, बेसिकली जब मैं सिर्फ ऑफलाइन क्लास लिया करता था तो उसमें भी मेरे सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स होते थे, दैट इज़ 20। और यहाँ पे भी जो है आप देख रहे होंगे कि मैंने लिमिटेड सीट्स रखी हुई है जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स की है। और आप सामने देख रहे होंगे कि जो स्क्रीन हमने लगा रखी है, एक डिजिटल स्क्रीन है बेसिकली, एंड दैट इज़ अबाउट 65 inches। और जो है हम आप इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि हमने ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है। वो सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि इसके क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो थोड़ा और करीब आ जाते हैं ताकि हम अपने व्यूवर्स को बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सके, इस हाइब्रिड क्लास सेटअप को। अब देखिए, जैसे कि आपने शुरू में देखा कि जो स्टूडेंट हैं, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे सामने बैठ सकते हैं, वो इस स्क्रीन पे विजुलाइज कर सकते हैं हर चीज़ को जो उनको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और ये मेरा सिटिंग एरिया है जहाँ पे मैं सारे लेक्चर्स लेता हूँ, जहाँ पे मैं सारे रिकॉर्डिंग करता हूँ, आप देख रहे होंगे। और आप चाहें तो आप बैठ के भी पढ़ा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको पोडियम फॉर्म में भी ले सकते हैं ताकि आप खड़े होके भी जो है स्टूडेंट्स को एड्रेस कर सके और सारी चीज़ों को पढ़ा सके। मेरे राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं जो मैं डेमोन्स्ट्रेशंस क्लास में स्टूडेंट्स को शो करता हूँ। तो जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता था तो उस वक्त क्या होता था कि ये डेमोन्स्ट्रेशंस हम करते थे और जो स्टूडेंट्स बैठे होते थे तो वो डेमोन्स्ट्रेशंस जो है आगे के जो स्टूडेंट्स होते थे वो आराम से देख पाते थे, लेकिन पीछे के नहीं। लेकिन इस सेटअप के बाद वो सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो गई। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम जो है हाइब्रिड क्लास सेटअप को प्रॉपर रन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, यहां पे मैं बैठता हूं, मेरे पीछे यहाँ पे ये ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है। ग्रीन स्क्रीन से क्या होता है कि मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं उसका अपीयरेंस बहुत अच्छा हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आप सामने सिर्फ देखते हो, आपके बैकड्रॉप में जो है आपका पूरा लेक्चर दिखता है, और जो उस रिकॉर्डेड लेक्चर को देखता है तो उन स्टूडेंट्स को बहुत कन्वीनियंट महसूस होता है। दे गेट इट वेरी इजिली एंड वेरी अट्रैक्टिव। ओके, अब देखिए, अब जब हम क्लास लेते हैं हाइब्रिड क्लास सेटअप में, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक लैपटॉप चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम एक मोबाइल से भी पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना है, क्वालिटी टीचिंग देनी है, और आप चाहते हैं कि जितने लूपहोल्स आते हैं मींस क्लास लेने में, तो वो सारे के सारे लूपहोल्स जो हैं वो कम हो जाए और आपकी टीचिंग एक अच्छी और अट्रैक्टिव टीचिंग हो, ताकि स्टूडेंट्स को हर चीज़ समझ में आए, आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना हो, आपको उनको वीडियोस दिखाना हो, आपको इमेजेस दिखाने हो, आपको एनिमेशन दिखाना हो, वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ये अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए? हमें एक लैपटॉप चाहिए और एक पेन टैबलेट चाहिए।
अब देखिए पेन टैबलेट आने की वजह से क्या हुआ कि हम लोग जब मार्कर्स यूज़ करते हैं तो हम मार्कर्स चेंज करना है, हमें डायग्राम्स बनाना है, रेड टू ग्रीन, ग्रीन टू ब्लैक, ब्लैक टू ब्लू, तो उसमें क्या होता है कि आप स्विच करते हो, टाइम भी जो है लगता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो इस पेन टैबलेट के थ्रू आप जो है जो भी लिखना चाहते हैं मार्कर्स को चेंज करके, बोर्ड्स में ऑलरेडी वो सारी चीज़ें डिजिटल बोर्ड में अवेलेबल होती है, वो आप शो कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, मैं और थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। देखिए अब ये जो लैपटॉप है इसमें मैंने टीचमेंट को ओपन किया, ओके, और ये वेब इंटरफेस टीचमेंट का ओपन है। अब मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो इसके थ्रू कनेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे एक डेमो क्लास दिखा रहा हूं। अब जैसे ही मैंने यहां पे गो लाइव किया, मैं जो प्रेफर करता हूं बेसिकली वो स्क्रीन शेयरिंग प्रेफर करता हूं, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग में आपके स्क्रीन पे जो कुछ है, चाहे वो आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, चाहे वो आप टैब्स चेंज कर रहे हो, चाहे वो आप इमेज दिखा रहे हो, तो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर जब मैंने यहां पर ओपन कर दिया, अब देखिए प्रेजेंट स्क्रीन कर दिया, अब जो कुछ स्क्रीन पर होगा, जो कुछ स्क्रीन पर होगा वो सारी चीजें जो है ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने प्रेजेंट स्क्रीन बना दिया। और वही सेम चीज आप इस बोर्ड पे देखेंगे, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स होंगे बेसिकली वो यहां इस बोर्ड पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो एक तो ये आसानी हो गई कि जो मैं यहां पे शो करूंगा वॉट एवर वो ऑनलाइन बच्चे भी देख रहे होंगे, और जो ऑफलाइन मेरे सामने यहां पे बैठे हुए हैं वो भी इस बोर्ड पे सेम चीज को देख रहे होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो क्लासेस हैं बेसिकली, आपकी जो क्लासेस हैं, जो लाइव क्लास है, वो सेम चीज ऑफलाइन स्टूडेंट और ऑनलाइन स्टूडेंट दोनों देख रहे होंगे, साथ ही साथ वो रिकॉर्ड भी हो रहे होंगे। तो मैं टीचमेंट का रिकॉर्डर भी यूज़ करता हूँ और OBS भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि दो रिकॉर्डर्स इसलिए ताकि टेक्निकल ग्लिच आए तो कहीं भी वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं दो रिकॉर्डर्स को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब जो आपकी लाइव क्लास चल रही थी वो भी ऑनलाइन है, प्लस लाइव है, प्लस उसके साथ साथ वही रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया कि जो कुछ मैं लिखूँगा इस पेन टैबलेट पे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, सेम चीज़ जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी, और बच्चे ऑफलाइन भी देख रहे होंगे और साथ साथ ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल मुझे डेमोन्स्ट्रेशन देना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे डेमोन्स्ट्रेशन देना है, तो देखिए अब मैंने डेमोन्स्ट्रेशन कैमरा ऑन किया। अब जैसे अभी तो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, आप स्टैंड भी ले सकते हैं। अब ये जो मेरे पास कैमरा है उसके थ्रू जो है, अब देखिए मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, तो आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे होंगे कि जो ऑनलाइन, क्योंकि मैंने प्रेजेंट स्क्रीन किया हुआ है, स्क्रीन को शेयर किया हुआ है, तो जो कुछ स्क्रीन पे होगा वो सब कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे होंगे, और सेम चीज़ जो है वो ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे। स्क्रीन शेयरिंग में एक सबसे आसानी बात यही होती है कि जब हम स्क्रीन को शेयर करते हैं तो एक तो डेटा भी कम लगता है, और वीडियो की जो रिकॉर्डेड वीडियो की जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी आती है, क्योंकि जब आप सीधा कैमरा ओपन करके बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो उसमें रिकॉर्डेड वीडियो जो होता है उसकी क्वालिटी अप एंड डाउन हो सकती है। तो इसीलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग को शुरू से प्रेफर करता हूँ, वो वीडियो की क्वालिटी जो होती है उसको बहुत अच्छा रखती है, और जो कुछ आप लिखते हैं, जो कुछ डिस्प्ले करते हैं वो प्रॉपर वे में हमें दिखता है, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि कैसे हम एक हाइब्रिड क्लास सेटअप को चलाते हैं, जहां पे ऑफलाइन स्टूडेंट्स और हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स आराम से क्लासेस को कर लेते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को देख लेते हैं, और जो कुछ उनको क्वेरी होती है ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां पे हमसे पूछते हैं, हम उसको पूरा करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हाइब्रिड क्लास सेटअप है आपके, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स, पहले हम सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, लेकिन आपके पास क्वालिटी है, आपके पास स्पेस कम है, आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है मींस कन्वे करना चाहते हैं, अपनी टीचिंग को कन्वे करना चाहते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अब ये जितनी चीज़ें हैं मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशंस धीरे धीरे होते हैं, तो आपको इससे एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा, आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे जो है आपको लैपटॉप, पेन टैबलेट और जो इंटरनेट कनेक्शन या फिर डिजिटल बोर्ड, आप इसमें से क्या मींस अप्लाई करेंगे, क्या ओमिट करेंगे, या फिर इसमें और क्या एडिशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर साइन ऑफ करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मेरी इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो थैंक यू।